अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर स्मार्ट लर्नर्स। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स, उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो कि फैक्टराइजेशन दैट मींस कि फैक्टर, जो उसका फर्स्ट वर्ड है फैक्टर। तो कि फैक्टर सर क्या है? तो फैक्टर के दो टाइप है, कौन से है? तो कि एक है फैक्टराइजेशन ऑफ, दैट मींस कि फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, और दूसरा है फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहां पे फर्स्ट फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेकंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो टाइप है कि सर दो टाइप के फैक्टर निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है 12, जो सिर्फ नंबर नेचुरल नंबर की जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर है 12, ठीक है। तो 12 के फैक्टर कौन से होते हैं? जैसे मींस कि 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो कि सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। तो कि टोटल उसके जो फैक्टर है वो 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये उसके फैक्टर हो गए। कि सर ये एक एग्जांपल हुआ, दूसरा भी ऐसा एक एग्जांपल हमें दिखाओ। तो दूसरा हम देखने जा रहे हैं 20, तो 20 किसके किसके टेबल में आता है? तो कि सर 1 के टेबल में, एक के टेबल में हर एक नंबर आते हैं और इटसेल्फ दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे मिनिमम। सबसे पहले 1 2 4 5, ठीक है, 5 के बाद डायरेक्ट 10 और 20, ऐसे उसके फैक्टर है। कौन से? 1 2 4 5 10 एंड 20, ये हो गए 20 के फैक्टर। ये सिर्फ नंबर के बारे में डिस्कस किया था, जो नंबर था कौन से 12 और 20, ऐसे कई सारे नंबर होते हैं जिसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ये था फर्स्ट एक था जो ये फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बात करेंगे हम फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो है 2xy, यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा 2xy, ठीक है, ये उसके फैक्टर है। तो जैसे 2 है वो प्राइम नंबर है, तो वो एज यूजुअल आएगा, तो 2 का फैक्टर 2 इंटू एक्स है तो कि सर एक्स, और वाई है तो इंटू वाई, ठीक है। तो ये उसके फैक्टर हो गए, कौन से 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये किसके फैक्टर है? सर 2xy के फैक्टर है। 2xy क्या है? तो कि सर वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब सेकंड उसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 10x2y, ठीक है सर। 10 के फैक्टर, तो कि सर वो एक आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसके फैक्टर बताओ, तो कि सर 2 इंटू 5, यहां सर प्राइम नंबर हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा। तो 10 के फैक्टर 2, 2 इंटू 5, x कितनी बार दिया है? 2 बार दिया है, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x, और एक बार क्या है y, तो कि सर 10x2y का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू y, तो ये उसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो दो हमारे फैक्टर थे, किस तरह से निकलते हैं वो हमने दिखा दिया, एक था हमारा नेचुरल नंबर फैक्टर और एक था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर, ठीक है। तो ये था यहां तक का फैक्टर का पोर्शन। तो कि हमने फैक्टर के बारे में देख लिया कि दो टाइप के फैक्टर थे, एक था फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा टाइप था फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तब कि सर फैक्टराइजेशन हो जाए तो कौन से कितने टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कि बेटा उसकी है 3 मेथड, कितनी मेथड है? 3 मेथड। कौन सी? सर सबसे पहले है उसकी मेथड के कॉमन फैक्टर की, कोई भी इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन दिया हो उसमें से आप कॉमन निकाल के किस तरह से कर सकते हो। सेकंड है तो कि फैक्टराइजेशन ऑफ रीग्रुपिंग, किस तरह से उसका रीग्रुपिंग होता है और हम निकालते हैं वो। थर्ड मेथड है उसका फैक्टर ऑफ आइडेंटिटीज, कि आइडेंटिटी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और एक मेथड है वो है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये चार मेथड आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो वन बाय वन उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, कौन सा? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कुछ उसके बारे में एग्जांपल देते हैं, दो एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x + 8, कितना? 2x + 8,
ठीक है, तो कि हाँ सर 2 है वो क्या है, तो कि सर वो प्राइम नंबर है, x है सर उसका है ये, तो 2 इंटू एक्स ये उसके फैक्टर हो गए। 8 के फैक्टर कौन से, सर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कि सर 3 बाय 2 आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, हमारा मेथड कौन सा है सर, कॉमन का है, कॉमन का है तो इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या आएगा, तो कि सर 2 है वो बाहर निकल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रहेगा सिर्फ एक्स प्लस, वहां पे क्या रहेगा 2 बार 2 है तो 2 2 क्या होता है 4, तो कि 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 4, तो कि हाँ सर ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन, इतना इजी है। ठीक है, ठीक है सर ये तो इजी था, थोड़ा और हार्ड करवाओ। ठीक है, थोड़ा और हार्ड करवाते हैं हम लोग, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, 7a² + 14a क्या है, 7a² + 14a, 7 सर वो तो प्राइम नंबर है, a स्क्वायर का फैक्टर a इनटू a प्लस 14 दिया है, तो बेटा 14 का फैक्टर क्या होता है सर, 2 7 = 14 और उसका a है, तो 2 × 7 × a, 7a² के फैक्टर 7 × a × a प्लस 14 के 2 × 7 a, अब दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, और कुछ बेटा जो दोनों में सेम सेम हो सर, a भी सेम है, हाँ तो कॉमन क्या निकलेगा सर, 7a वो दोनों में से बाहर निकल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तो सर ब्रैकेट के अंदर रहेगा a प्लस 2 ब्रैकेट ओवर, तो कि हाँ सर ये कितना सिंपल है, ये थे हमारे कॉमन फैक्टराइजेशन है, किस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये मेथड थी फर्स्ट वाली। ठीक है, इसमें देख लो दो एग्जांपल है आपके, तो यहाँ पे हमारा एक टाइप क्लियर होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे, सेकंड वाला कौन सा था हमारा, तो कि सर सेकंड वाला था हमारा वो था रीग्रुपिंग मेथड। ठीक है, रीग्रुपिंग था, तो कि सर उसके भी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, तो कि श्योर क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम रीग्रुपिंग मेथड के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं x² + xy + 8x + 8y, क्या है x² + xy + 8x + 8y, अब यहाँ पे सर दिए हैं हमें 4 टर्म, जब 4 टर्म दिए हैं तो सबसे पहले उसको पेयर बनाओ, किसका, दो दो का, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे पेयर बनाओ। ठीक है, तो सर पहला है x² + xy, जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर में देखा था, तो बेटा पहले दो है टर्म उसको टारगेट करो, कौन सा x² + xy, दोनों में कॉमन क्या है सर, पहले दोनों में x x कॉमन है, तो कि सर x बाहर निकल जाएगा, तो रहेगा क्या ब्रैकेट के अंदर x + y, तो कि सर जो दो पे लिए थे उसमें हमें क्लियर निकल गया कि कॉमन कौन निकालना चाहिए। अब बाकी जो पीछे है उसमें क्या है 8x + 8y, अब उसमें कॉमन क्या निकलता है सर, दोनों में 8 दिया है तो 8 कॉमन निकालो, तो रहेगा क्या, तो कि सर 8 कॉमन निकला है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा x + y। अब आपके जो दो टर्म आए हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो जो दोनों में जो कॉमन है वो x + y, तो यहाँ पे है x + y। ठीक है, तो बेटा हमने देखा क्या चीज, कि दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है सर, दोनों के अंदर x + y कॉमन है, तो कि पूरा जो ब्रैकेट है वो बाहर निकाल दे, कॉमन निकाल दे x + y x + y, तो कि सर सिंगल बाहर निकलेगा ब्रैकेट के अंदर x + y, तो रहेगा क्या, क्योंकि सर यहाँ पे रहेगा सिंपल x और वहां पे रहेगा सिंपल 8। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x + y और दूसरे ब्रैकेट में x + 8, तो ये हो गए आपके फैक्टर। ठीक है, ये कौन से फैक्टर थे, तो कि सर ये रीग्रुपिंग फैक्टर था। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल है 3xy - 6x + 5y - 2, अब पेयर बनेंगे, तो कि सर पेयर में कौन सा आएगा, क्योंकि 15xy - 6x ये आपका यहाँ पे पेयर है, दूसरा पेयर कौन सा रहेगा सर, दूसरा पेयर है 5y - 2, तो 15xy - 6x, उसमें देखो कॉमन क्या है, तो सर ऐसे तो कॉमन नहीं दिखाई देता है, तो फैक्टर निकालो, 15 का कौन सा होता है सर, 5 3 जा होता है, 6 का क्या होता है सर, 3 2 जा होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो कि सर हम निकालेंगे, और दूसरा क्या है सर, x भी कॉमन है, तो 3x इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो रहेगा क्या 5y - 2, क्या रहेगा 5y - 2। अब दूसरे ब्रैकेट पे चले जाओ, दूसरे पेयर पे चले जाओ, दूसरे पेयर में क्या कॉमन है सर, दूसरे पेयर में कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, 2 है वो भी प्राइम नंबर है, 5 है वो भी प्राइम नंबर है, तो बेटा जब भी कुछ कॉमन ना निकले तब ऑलवेज एक चीज कॉमन होती है, क्या सर 1, तो कैसे उसमें से हमने क्या निकाल लिया
वन कॉमन निकाल लिया, बाकी आपका एज इट इज क्या रहेगा, 5y-2। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर देखो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, क्योंकि सर दोनों ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है 5y-2 कॉमन दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे सर, वो बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन में आएगा 5y-2। तो अंदर क्या रहेगा, तो कि सर अंदर रहेगा वो है आपका 3, सर वो तो कॉमन निकल रहा है, 3x+1 रहेगा, तो कि हाँ सर 3x+1 रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा रीग्रुपिंग के दो एग्जाम्पल थे। थर्ड हम जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन का थर्ड टाइप, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा है सर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो सर चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो उसके अंदर हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, तो कि सर हम आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² कौन सी, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b². सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b² क्या है, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b². थर्ड आइडेंटिटी है वो है हमारी a² - b² इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर a-b और सेकेंड a+b। सर ये हमारी थ्री आइडेंटिटी है, तो कब यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है, ठीक है। तो जब भी आपके थ्री टर्म होते हैं या तो होल स्क्वायर दिया होता है, तो बेटा फर्स्ट और सेकेंड वाले का यूज होता है, कब, जब भी थ्री टर्म दिया हो और होल स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तब कौन सा यूज करना है, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करना है। सर फर्स्ट कब यूज करनी है और सेकेंड कब यूज करनी है, जब सारी साइन किसमें दी हो, प्लस में दी हो, किसमें, प्लस में, तो तब कौन सी वाली यूज करनी है, फर्स्ट वाली। माइनस कब यूज करना है, जब उसका फर्स्ट टर्म दशमलव की जो मिडिल टर्म है वो किसमें दिया हो, माइनस में दिया हो, तो सर सेकेंड वाली यूज करनी है। थर्ड वाली में क्या होता है बेटा, सेपरेट स्क्वायर दिया होता है, एक ही ब्रैकेट दो बार दिया हो, इसमें प्लस माइनस का डिफरेंट हो, तब प्लस उसका पर्टिकुलर होल स्क्वायर दिया हो, मींस की सेपरेट स्क्वायर दिया हो, ठीक है, तब बेटा थर्ड का यूज करना है। तो थर्ड सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो कि हाँ सर ये था हमारा आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक आइडेंटिटीज के बारे में पोज करेंगे, ठीक है, कि तीन है, कि तीन आइडेंटिटी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो बेटा हमने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आइडेंटिटीज के कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलो फर्स्ट आइडेंटिटी का एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि आपका है a² + 8a + 16, ये एग्जांपल लिया है, तो कि सर हाँ दोनों साइन कैसी है, सर प्लस है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, सर फर्स्ट वाली। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का क्या निकालना होगा, सर स्क्वायर रूट निकालना होगा और कंपैरिजन करना होगा, a² + 2ab + b², तो बेटा a² दिया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सर उसका होता है a, 16 दिया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सर उसका होगा 4, ठीक है। तो कि सर हमारे नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इज इक्वल टू a² + 2, a की वैल्यू क्या है सर, a पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, 16 का स्क्वायर रूट, सर 4 पुट करेंगे, प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कि सर सेकंड इक्वेशन हमारा इस तरह से आया है, a² + 2 * a * 4 * 4² तो कि सर ये इक्वेशन हम अगर आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ब्रैकेट के अंदर a + 4 होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a + 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये था बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेकंड आइडेंटिटी, कौन सी, a - b होल स्क्वायर, उसका भी एक हम एग्जांपल देखेंगे, कौन सा वाला है उसका एग्जांपल, तो कि सर यहां पे दिखाई दे रहा है p² - 10p + 25, कितना है p² - 10p + 25, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पे भी उसमें फर्स्ट वाले में क्या था, सर दोनों प्लस दिया था, इसमें क्या है, सर माइनस एंड प्लस दिया है, तो क्या करेंगे, तो कि सर और कुछ नहीं, क्या करेंगे, सेकंड वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेम मेथड, सर फर्स्ट का p² का स्क्वायर रूट, सर p होगा, 25 का स्क्वायर रूट, सर 5 रहेगा, ठीक है। तो कि हाँ सर 5 रहेगा, तो कि इसका इक्वेशन इस तरह से बनेगा, p² - 2, a की वैल्यू सर p, b की वैल्यू सर 5, 2p5 +
25 का स्क्वायर रूट क्या है सर? 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका और जो हमारा इक्वेशन था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड आइडेंटिटी का किस तरह से यूज करना है वो, क्लियर यहाँ पे? हाँ सर क्लियर। तो कि ये हमारा हो गया दो मेथड क्लियर। अब तीसरा आइडेंटिटी है वो उस पे चलते हैं। तो उस पे है आपके आपका थर्ड वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर a प्लस b सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो चलते हैं हम एग्जांपल की ओर। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे दिया है 4 p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर, कितना दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर। तो बेटा 4p होता है, अब ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए सर? सेपरेट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 4p है, 4p का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 2p होगा। और बेटा 9 q स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा सर? 3q होगा। तो कि बस वही चीज हमें चाहिए थी, तो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर। तो कि बस सर यही ब्रैकेट हमें लेना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस 3q। सर यहाँ पे प्लस लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या पुट करेंगे 2p माइनस 3q, ठीक है। ये बेटा हमारा था थर्ड आइडेंटिटी का जो यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों तीन आइडेंटिटी देखी, तो कि हाँ सर कौन सी, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेकंड a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, थर्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है बेटा। हमने थर्ड तीनों तीन आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। चलो बेटा तो हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड मींस कि फोर्थ मेथड आपका जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सर उसमें क्या करना होता है, तो कि आपको मिडिल टर्म जो रहता है बीच वाला टर्म उसको आपको स्प्लिट करना होता है, उसके फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। तो कि हाँ सर, तो कि सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो हम स्टार्ट करेंगे कोई एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, क्या है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 दिया है, क्या दिया है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 दिया है। सर इसमें तो हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हो, क्यों बेटा? तो कि फर्स्ट टर्म का आपका स्क्वायर रूट निकल रहा है लेकिन लास्ट टर्म में दिया है 8, तो वो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है? नहीं सर, तो हम यूज कर सकते नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होता है या कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो p स्क्वायर के पास क्या है सर? 1 है। लास्ट टर्म आपका क्या दिया है सर? 8 दिया है। तो 1 × 8, तो कि सर 8 होता है, 1 × 8 = 8 होता है। 8 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसमें आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आना कितना चाहिए आंसर? सर मिडिल टर्म में 6 दिया है तो 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 के फैक्टर निकालो सर, 8 का फैक्टर 1 × 8 सर 6 नहीं आता है, 7 और 9 आता है। दूसरा फैक्टर होता है बेटा 2 × 4 = 8, तो कि हाँ सर 2 + 4 करेंगे तो यहाँ सर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करके 8 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके कितना आना चाहिए सर? 6 आना चाहिए, तो कि हाँ सर 2 × 4 = होता है। तो कोई बात नहीं है, 2 + 6 दोनों को प्लस की साइन आ जाएगी, 6 की जगह पे पुट कर दो, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। सर 2p प्लस 4p किसको स्प्लिट किया? तो सर 6p को हमने स्प्लिट किया। अब सर यहाँ पे क्या आ गया सर? 4 टर्म आ गए, 4 टर्म है तो सर याद करो, रिमाइंडर करो, कौन सा वाला मेथड है? रीग्रुपिंग वाला, याद है आपको? हाँ सर पढ़े थे कि सेकंड मेथड है उसका फैक्टराइज़, तो यहाँ पे रीग्रुपिंग कर दो। तो कि यहाँ पे दिया है आपको p स्क्वायर माइनस प्लस 2p, तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? तो सर दोनों में pp कॉमन है, तो बाहर निकाल लो। तो सर बाहर निकाल दिया p को, तो रहेगा क्या? तो सर रहेगा यहाँ पे p प्लस 2। दूसरे में क्या है सर? दूसरे में दिया है 4p प्लस 8 दिया है, तो दोनों में क्या कॉमन है सर? 8 का होता है 4 × 2 = 4, जब 4 × 2 = होता है तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा सर? दोनों में कॉमन रहेगा 4, 4, तो सर 4 कॉमन निकल दिया, तो रहेगा क्या? तो सर ब्रैकेट में रहेगा p प्लस 2। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये आपका सेकंड ब्रैकेट है, दोनों में क्या है कॉमन? तो सर दोनों में कॉमन है हमारा p प्लस 2, p
पी प्लस टू को क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, तो दूसरा क्या रहेगा सर, दूसरा एक ही चीज रहेगी, पी प्लस फोर। ठीक है, तो कि ये चीज हो गई, तो कि हाँ सर ये था आपका स्प्लिटिंग मेथड, पूरा सब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे स्टैंडर्ड एट का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।